रबूबियत बारी ताला कायनात की हर चीज़ पर मुहित है। पटियाला में आपने ये खिताब फरमाया जिसका खुलासा इस तरह है कि 9 अक्टूबर 1917 को पटियाला में ये तकरीर आपने फरमाई और अल्लाह ताला की हस्ती, इस्लाम और कुरान करीम की सदाकत और हज़रत मसीह मौऊद की सच्चाई को सिफत रबूबियत के हवाले से साबित किया। हजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला की सिफात उसकी हस्ती का सबूत हैं। सिफात इलाहिया पर गौर करने और उन ज़बरदस्त कुदरतों का मुशाहिदा करने से जिनका जहूर हमेशा होता रहता है, मानना पड़ता है कि ज़रूर एक ज़बरदस्त आलम, दाना और रहीम करीम हस्ती मौजूद है। हजूर ने फरमाया कि सूरह फातिहा जो उम्मुल कुरान है, इसमें इन चार सिफात को बयान किया गया है जो तमाम सिफात का खुलासा हैं और जिन पर गौर करने से इंसान हर किस्म की बदएतकादियों और बदअमलियों से बच सकता है। मसलन पहली सिफत रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ताला इस की सिफत रबूबियत का सिफत रबूबियत का ताल्लुक तमाम मखलूकात से है। हर चीज़ उसकी रबूबियत से फैज़याब हो रही है। तो खुदा ताला का रब्बुल आलमीन होना ये बात तस्लीम करने पर मजबूर करता है कि जिस खुदा ने जिस्म की रबूबियत और तरक्की के लिए आला दर्जे के सामान किए हैं, उसने रूह की ज़िंदगी के लिए भी ज़रूर सामान किए होंगे जो जिस्म की नस्बत ज़्यादा कीमती है। चुनाचे फरमाता है व इमिन उम्मतिन इल्ला खलाफिया नज़ीर। हर कौम में अल्लाह ताला के नबी आए हैं जो इंसानों की तरबियत और रूहानी रबूबियत और तरक्की का सामान करते रहे। आखिर पर अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया जिन्हें दुनिया की तमाम अकवाम और ज़मानों की इसलाह के लिए भेजा, चूँकि आपके ज़रिए शरीयत की तकमील कर दी गई है। इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मेरे बाद खुदा से हम कलामी का शर्फ हासिल करके ऐसे खुदा के बंदे आते रहेंगे जो लोगों को इस शरीयत के मुतालब से आगाह करके उन्हें खुदा से मिलाते रहेंगे। चुनाचे इस ज़माने में भी अल्लाह ताला ने सिफत रबूबियत के तहत हज़रत मिर्ज़ा साहिब को भेजा जिन्होंने खुदा से हम कलाम होने और इस्लाह खल्क करने का दावा फरमाया और खुदा की फैली तायद आपकी पेशगोइयों के पूरा होने में ज़ाहिर हुई और ज़िंदा निशानात ने आपके दावा की सदाकत को साबित कर दिया। आखिर में हुज़ूर ने फरमाया कि इस्लाम ही एक ऐसा ज़िंदा मज़हब है, ऐसा मज़हब है जो ज़िंदा खुदा को पेश करता है और उसमें ज़िंदगी का सबूत मिल रहा है। नीज़ ये भी कि खुदा जिस तरह पहले अपने बंदों की रूहानी रबूबियत करता था, उसी तरह आप भी करता है और उसके बताए हुए तरीक पर चलकर हम आज भी इन्हीं इनामात और फवायद को हासिल कर सकते हैं जो आपसे हज़ारों साल पेशतर हासिल जो आज से हज़ारों साल पेशतर हासिल हुए थे।